ठीक है, तो नेक्स्ट इज लेस एक्सपेंसिव। ये थोड़ा क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव भी है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोर अफोर्डेबल देन द नेचुरल फाइबर। गुड इलास्टिसिटी, ये थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, और अगर इनको ज़्यादा हम स्ट्रेच करते हैं तो ये दोबारा अपनी शेप पे वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी क्वालिटी भी होती है इनकी। एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मेल्ट एंड बर्न इजीली। बेटे बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और बर्न भी हो जाते हैं इजीली, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर मोर रेडिडली देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स ऑन कैचिंग फायर श्रिंक फॉर्मिंग बीड दैट स्टिक टू द स्किन। Therefore, it is not advisable to use cloth made from synthetic fiber while working near flame. ये जो synthetic fibers होते हैं ये बहुत जल्दी melt हो जाते हैं और आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए ये advise किया जाता है कि कभी भी इन कपड़ों के साथ हमें कभी भी किचन या फायर के आसपास नहीं जाना चाहिए। These are non-biodegradable. ये हमारे environment के लिए अच्छे नहीं होते because ये dissolve नहीं होते अच्छे से, ठीक है। तो ये soil pollution करते हैं। Uncomfortable during summers. समर में हम ये नहीं पहन सकते इनके कपड़े, क्योंकि ये ज़्यादा जो स्वेटिंग है उसको अब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। मोस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर अब्जॉर्ब वेरी लिटल मॉइस्चर इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर व्हेन वी स्वेट। द स्वेट इज ट्रैप बिटवीन द फैब्रिक एंड आवर स्किन। ये हमारी स्किन और हमारे फैब्रिक में एकदम ट्रैप हो जाता है, तो इरिटेट करता है, ठीक है। सो द सिंथेटिक फाइबर स्टिक टू द बॉडी व्हेन द बॉडी स्वेट एंड मेक्स द वियरर अनकंफर्टेबल, क्लियर। डिवलप स्किन प्रॉब्लम, तो ये स्किन प्रॉब्लम भी डिवलप कर सकता है, क्योंकि ज्यादा स्वेटी होने की वजह से ये जो हमारा जो स्वेट होता है, ठीक है, वो हमारी स्किन के साथ ही ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट आएगा प्लास्टिक। प्रेजेंट टाइम इज द एज ऑफ प्लास्टिक। आज का जो हमारा टाइम है वो प्लास्टिक का ही टाइम है, ठीक है। प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल तो है ही, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हमारे एनिमल्स के लिए, ह्यूमन के लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा। बट कहीं ना कहीं प्लास्टिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, यूजफुल भी है, क्योंकि ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, और इसे हम रीयूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक इज अ बून एज वेल एज अ हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। ये हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, क्लियर। प्लास्टिक आर पॉलीमर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। जैसे हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था, मोनोमर, ये छोटे छोटे एकदम एंड टू एंड के साथ जुड़े हुए हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट है बेटा, जो एक सिंगल लाइन बना रहा है। ये क्रॉसलिंग अरेंजमेंट है जो सब तरफ से जुड़े हुए होते हैं, क्लियर। द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस कैन ईजिली बी मोल्डेड इंटू शीट और ड्रॉन इंटू फाइबर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। वो प्रॉपर्टी प्लास्टिक की जिसमें हम इसको हीट करने के बाद इसे शीट या वायर्स में इजीली मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे, क्लियर। सम कॉमन प्लास्टिक आर बेकलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। काइंड ऑफ प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक, ये प्लास्टिक दैट इजिली गेट डीफॉर्म ऑन हीटिंग एंड कैन बेंड इजिली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ये हीटिंग पे इजिली बेंड हो जाते हैं, जिनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप अगेन अगेन। इनको हम हीट करके अलग अलग मोल्ड में इनको बार बार इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी बोलेंगे, पॉलीस्ट्रीन, ठीक है। फिर आएगा थर्मोसेटिक प्लास्टिक। एक बार जो प्लास्टिक एक बार सेट हो चुका है मोल्ड में, बस उसको दोबारा नहीं हम मोल्ड कर सकते, वो टूट जाएगा। प्लास्टिक दैट वंस मोल्डेड इनटू अ शेप डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग मतलब जो परमानेंट सेट है, ठीक है, वो टूट जाएगा बाद में, उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते, क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल आएगा बेकलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। आपने देखा होगा घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना बेटा, वो मेलामाइन या बेकलाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो अटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं वो भी बेकलाइट के बने हुए होते हैं, क्लियर। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक और नॉन रिएक्टिव, ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करते, क्लियर। आफ्टर दैट सेकेंड, प्लास्टिक और लाइट वेट, ये थोड़े लाइट वेट होते हैं, इनका वेट बहुत ही कम होता है, तो इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। थर्मोकॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइट वेट। थर्ड, प्लास्टिक आर स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक काफी स्ट्रांग होते हैं और काफी टाइम तक चल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसी वजह से जो बर्तन होते हैं, कुकर या कढ़ाई का जो हैंडल है वो बेकलाइट से बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है, ठीक है ना। सो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसी वजह से जो स्विच बोर्ड है,
ठीक है, जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो टूल्स होते हैं वो सारे बेकलाइट से बने हुए होते हैं, क्योंकि दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज प्लास्टिक आर इनर्ट टू केमिकल। ये जो प्लास्टिक हैं वो बेटा केमिकल से ही बनते हैं। टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। जो टेफ्लॉन है, नॉन स्टिक बर्तन आते हैं ना, उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो किसी भी चीज़ जो अब हम खाना उसमें पकाते हैं तो वो चिपकते नहीं है, ऑयल और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तरह से प्लास्टिक आर चीपर इन कंपेरिजन टू मेटल एंड आर ईजिली टू हैंडल। क्लियर। नेक्स्ट आएगा प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। सिंपल सी बात है, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन इजिली इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कुछ जो फ्रूट पील हैं, सब्जियों के छिलके हैं, काउडंग है, इनको ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं बेटे, ये बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये जल्दी टूट जाते हैं विद द इफेक्ट ऑफ रिएक्ट ऑफ बैक्टीरिया। बट प्लास्टिक ऐसा नहीं होता। सम सब्सटेंसेज दैट कैन ईजिली बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। तो दीज आर फ्यू हजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक के। हमें इसको ज़्यादा खुले में नहीं फेंकना चाहिए ये एनिमल्स, क्योंकि हम लोग तो ह्यूमन है, हमें तो पता है कि ये प्लास्टिक इसको नहीं खाना चाहिए, बट जानवरों को तो नहीं पता, एनिमल्स को नहीं पता होता। तो वो प्लास्टिक एक बार खा जाते हैं फिर उनके इंटेस्टाइन में वो जाके फंसते हैं, तो ये उनकी डेथ का कारण भी बनता है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए।